अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नूर है। ये एरिया नल्लागुट्टा सिकंदराबाद रामगोपालपेट है। यहाँ पर जो है सो 25 साल से ये टैंकर का दूध लगाते, स्पेशली रमज़ान चांद रात के दिन, क्योंकि शरखुरमे के लिए यही दूध लोग पीना पसंद करते, यही दूध घर को लेके जाना पसंद करते। तो दो साल से लॉकडाउन की वजह से नहीं लगा सके, ये साल भी इरादा नहीं था, मगर कस्टमर्स की डिमांड्स पे हम लोग ये दूध फिर ये साल लगाए। ये हर साल जो है सो पहले जब लगाते थे तो 12,000 लीटर दूध जाता था इधर। अब ये लॉकडाउन की वजह से जितने जने बोले हम आपको उसकी वजह से लगाए, ये साल थोड़ा कम है। 9,000 लीटर का टैंकर आता ही है, इसमें से अभी 6,000 लीटर चले गया, अभी 3,000 लीटर है बाकी है। तो स्पेशली रमज़ान के लिए ये दूध शिरखुरमा बनाने के लिए हमारे जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं उन लोगों की डिमांड थे ये दूध हम लोग रखे। शिरखुरमे के लिए बेस्ट रहता है ये दूध और इसका खासियत बहुत अच्छी है। ये की एरिया में रहता है और अभी कहाँ कहाँ रखते हैं इसको? पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद में तो यही दूध चलता, स्पेशली शिरखुरमे के लिए यही दूध प्रेफर करते सब जने। हम लोग भी यहाँ पर लगाते और दो जगह लगाते हम लोग 25 साल से। ये रामगोपालपेट नल्लागुट्टा सिकंदराबाद मस्जिद के पास यहाँ पर लगाते हैं विजय डेयरी। क्या लीटर है अभी ये? 51 लीटर, 51 रुपीस लीटर। हमेशा गैसो बार भी वही रेट था, अभी कुछ रेट चेंज हुआ कुछ? गैसो साल कम था थोड़ा, 48 था, अभी 2-3 रुपए बढ़ा था। क्वांटिटी अपने दिल में कितनी है उतनी देते हैं या नहीं, कुछ हिसाब रहता है 5 लीटर ले जाना बल्कि? देखिए हमारे पास कस्टमर्स हमारे खुद के अपने 25 साल से लेके जा रहे हैं, उनके बड़े आके लेके जा रहे हैं, उन लोग हारे लेके जा रहे हैं, तो हम लोग एक फ्रेंडली तरीके से उन लोगों को थोड़ा कुछ ज्यादा ही डाल के दे देते, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप सबको ईद मुबारक।